तो हेलो फेलोज, तो कैसे हैं आप लोग। तो फेलोज, आज हम बनाने वाली अपनी वीडियो, वो भी माइनक्राफ्ट की। तो आज के लिए खेलते माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक। ये वन ब्लॉक के एपिसोड चाहिए। हमने पहले भी दो एपिसोड वाला वन ब्लॉक था, वो अनफॉर्चुनेटली मीन्स डिलीट हो गया। अब हम इस वन ब्लॉक को देखने लगे कि इस वन ब्लॉक को कैसे हम अच्छे तरीके से खेल सकते। तो हम पहले थोड़ी सी इसकी माइनिंग कर लेते हैं। इसमें क्या ब्रेड की भी हमें ज़रूरत है। ये हमेशा 5 या 7 ब्लॉक्स बाद ब्रेड ही देते हैं। हम पहले अपने थोड़े से आइलैंड को एक्सपेंड कर लेते हैं। हमें पहले इस चारों साइड इस तरफ लगाने के कोई भी ब्लॉक नीचे ना गिरे। बाकी काम हम वैसे बाद में भी कर सकते हैं, वो भी काम जरूरी है। ये तो नहीं मिलेगा, लेकिन हमें ज़रा ऐसे से कर लो। ये गलत लग गया, इससे भी हमें ठीक करना पड़ेगा। तो हम माइनिंग शुरू करते हैं। ये काम कर लेता हूँ मैं, ये जो चेस्ट है ये सभी के लिए यहाँ लगा लेते हैं। उसके नाम बेड रख देता हूँ और मैं इसे यहाँ रख लेता हूँ। अब थोड़ी सी माइनिंग के बाद हम लोग आपसे मिलते हैं, देखते हैं कैसी हमारी माइनिंग जाती है। तो चले माइनिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब मैं यहाँ से एक सीलिंग डालने लगा हूँ कि हम लोग यहाँ से जरा के ऊपर के लिए अपना एक बनाए कि जहाँ हमारा एक ट्री फार्म होगा। सबसे पहले हमें अपने लिए एक ट्री फार्म डालना है कि जिससे हम अपने लिए बाद में जब दूसरा फेज शुरू होगा तब भी हम लोग जो है इससे ट्रीज लेते रहें। तो हम बनाते हैं अपना ट्री फार्म। यहाँ से हमें गिरना नहीं है, अगर हम गिर के तो हम आउट हो गए तो हमारी ये साइड डर जा सकती हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी डर साइड चली जाए। अब हमें इसे बहुत एहतियात से करना पड़ेगा। मुझे लगता है हमें यहाँ तक ऊपर जाना ठीक होगा, क्योंकि हमारे पास इतने ब्लॉक्स भी नहीं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाए। तो हम अभी तक इसे यहीं तक कर लेते हैं। अब अपने लिए पहले लकड़ी फार्म बनाते हैं और हमें यहाँ से भी इसे सेफली बनाना है। तो हम 2 डेड को भी तोड़ लेते हैं। मेरे पास बहुत सारी लकड़ी है जो मैंने चेस्ट के अंदर रखी है।
हम जरा आप थोड़ी सी और माइनिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास जितनी भी सैपलिंग रही थी मैं इसे ऊपर लेके जा रहा हूँ अपने लिए एक अच्छा ट्री फार्म बनाने के लिए। और मैं अपने साथ पहले डेट भी ले लेता कि मैं अपने ट्री फार्म के लिए ज़्यादा सही से बना सकूँ अपना ट्री फार्म। तो अभी मेरे पास 5 डेट से ज़्यादा डेट नहीं, हमें एहतियात करनी पड़ी कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ क्योंकि मेरी सारी सैपलिंग चली ना जाए। तो अभी मैं इसे थोड़ा सा साइडों से बड़ा बनाने वाला हूँ कि हम हमारी जो चीज़ है वो यहाँ सही तरीके से उग सके। हम इसे अभी थोड़ा सा सही बना लेते हैं, अभी हम इसे यहाँ लगा देते हैं इस ट्री को और इसे यहाँ लगा देते हैं। अब हम इसे साइड से भी एक्सपैंड करने के लिए डेट लेके आते हैं। वहाँ पर बस बहुत सारी लकड़ी होगी, इस लकड़ी का हम अगले फेज़ के लिए यूज़ करेंगे क्योंकि अगले फेज़ में हमें लकड़ियाँ बहुत रेयरली मिलेगी, अगले फेज़ में हमें कोबलस्टोन मिलेगी। तो हम और वाइंड करते हैं तो फ्रेंड जैसे कि देख सकते हैं थोड़ी माइनिंग के बाद मेरी चिकन भी मिल गई है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं माइनिंग तो नहीं की, लेकिन फिर भी हमारे पास इतनी डाइट आ गई कि हम अपना एक्सपेंड कर सकते। तो आए हम अपना ट्री फार्म एक्सपेंड करने चलते हैं। हमें अभी इस साइड से नहीं करना, हमें इस साइड से एक्सपेंड करना चाहिए क्योंकि इस साइड से हमारा ट्रीज जल्दी ग्रो करेगी और इस साइड से उनकी अगली सैपलिंग्स भी तक गिरेगी। हम ऐसी ट्रीज की सैपलिंग लेकर और ट्रीज उगाए के और अपना एक बहुत बड़ा ट्री फार्म बनाएंगे। हमें और डेट की जरूरत है अपना इसको एक्सपेंड करने के लिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी सैपलिंग्स ज़मीन पर गिर जाए। तो फ्रेंड्स हम और अपने लिए अब डेट माइन करके लाते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि हमने और भी पेड़ लगा लिया, हम और माइनिंग करने चलते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक गाय भी आ गई है
अभी ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ। हमारे पास और सैपलिंग्स आ गए, हम फूलों को यहाँ रख लेते हैं। अब हमारा मेन काम होने वाला है अपने लिए, आज हम घर नहीं बना सकते, आज हमें इन सब के लिए एक बहुत अच्छा फार्म बनाना होगा, ये लोग बहुत अच्छी तरीके से रह सके। तो काम करता हूँ कि मैं इस फार्म को इस साइड की तरफ को बनाता हूँ। नो नो गाय आपको नहीं खेलना है, हम आपके लिए यहाँ एक फार्म बना लेंगे। यस अब आप इधर रह सकते हो। अब आपके लिए मैं आइस के साथ प्लीज़र थोड़ा सा कवर कर देता हूँ आइस के ब्लॉक्स लेकर, और मेरे से भी रख लेते हो कि हम और आइस के ब्लॉक्स बना सके। अब हमारे पास जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 11 ब्लॉक्स आ गए, और नो में हमारी गाय भी दिख रही है। तो हमें इन सबको सेव करने के लिए लाना पड़ेगा, मुझे एक वीट का ब्लॉक भी मिला है तो मैं इनसे इनसे सेव कर सकता हूँ। तो अपनी जो फार्म बनाने वाला वो उसे बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ प्योर डर्ट से, तो इस वक्त मैं सिर्फ इसे यहाँ लगाने वाला कि ये सेफ रह ले। यस तो हमें उस ब्लॉक को भी तोड़ के लाना पड़ेगा, उस ब्लॉक की हम एक और ब्लॉक बना लेते हैं, और हम एक काम करते हैं इस जगह ये वाला ब्लॉक लगा लेते हैं, ये अच्छा लगे। अब हम आगे अपने लिए डर्ट माइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मैं कहीं यहाँ से गिर ना जाऊँ तो मैं इसे यहाँ रख लेता हूँ। हम अगले एपिसोड में अपने लिए एक बहुत अच्छा घर बनाएंगे। तो अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा डर्ट ढूंढ लेते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ तक इतना फार्म बना दिया है, हमें और डेट ढूंढ के इसे और कर देता। मेरे पास बहुत ज़्यादा लकड़ी आ गई है, मुझे उसे सेव भी बहुत ज़्यादा को करना होगा, तो बहुत ज़्यादा का मैं फेंस भी बनानी होगी कि मैं उन फेंस से अपने जानवर को सेफली रख सकूँ। चिकन के लिए तो मैं इस मेलन सीड से काम चल जाएगा, मेरे गाय के लिए भी मेरे पास पड़े हुए हैं क्या कहते हैं वीट पड़े हुए हैं, तो हम अभी इसे माइन करके क्या कहते हैं सैपलिंग्स लेके वहाँ चले जाते हैं। और ये हमारे पास एक और चिकन आ गई है, तो ये काम करते हैं हम इस साइड चेस्ट वगैरह को इधर रखते हैं, अब हम जाते हैं अपना पहले सैपलिंग्स लगा के आ जाते हैं, क्योंकि अगर हमारे सैपलिंग्स ना घूम गए तो कहीं हम हमारे पेड़ फार्म सही से उग ना सके। और मुझे डर लग रहा है कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ, क्योंकि सैपलिंग्स हमारे बहुत ज़रूरी है, हमने इन्हीं से आके जब हमारे पास लकड़ियाँ नहीं होगी तो यही हमें लकड़ियाँ देंगे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा डर तोड़ लेते हैं अपना फार्म कम्प्लीट करने के लिए। तो फ्रेंड्स हम हमारे पास एक शीप भी आ गई है, और तो मुझे लगता है हमारी जगह कम थोड़ी होगी चेस्ट में, तो हम एक और काम करते हैं, हम एक और चेस्ट लगा लेते हैं यहाँ पर, और हम यहाँ में अपना इम्पोर्टेंट सामान रख लेते हैं। तो हम एक प्ले का ब्लॉक बना के इसे यहाँ रख लेते हैं। अब हम डेट जाके लगा आते हैं, और डेट से हम अपने लिए एक अच्छा फार्म बना सकते हैं। ये शीप वगैरह को हमें सेव करना पड़ेगा कि हम इस फार्म के लिए बहुत अच्छी तरीके से रह सके। और मुझे लगता है एक फार्म की एक और लेयर लगाना, बस उसके बाद इसे ख़त्म करना ठीक रहेगा। अब हम ज़रा दो और डेट ले आते हैं और उसके बाद इसे कर देते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ आ गया, और ये पिग, हम पिग को नहीं रख सकते अपने यहाँ फार्म में, क्योंकि आई में पिग अच्छे नहीं रखते, इसलिए हम पिग को अभी यहाँ से निकाल देते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं ये अच्छा बड़ा हमारा फार्म बन गया, अब हम अपने लिए फेंस लेने चलते हैं। तो फेंस हमें लगता है अभी भी इसके अंदर कमी रह गई है, हमने साइडों से इसे नहीं लगाया, तो एक काम करते हैं पहले से साइडों से लगा लेते हैं, बाद में इसको देख लेंगे। तो हम साइडों से लगा कर इससे मिलते हैं, हमें और शीप वगैरह मिल रही है। एक काम ना करते हैं कि हम इसे अच्छा शीप कैन, आप प्लीज़ हट सकते हो साइड पर, हमें जरा अपने लिए फार्म को होल्ड करना, एक लाइन लगा लेते हैं। तो मैं नहीं चाहता कोई यहाँ से जाए,
तो चिकन के लिए मैं सबसे अच्छा बनाऊंगा क्योंकि चिकन मेरी पहली फ्रेंड है इस वर्ल्ड के अंदर। गिरे मत डर्ट यहाँ से, तो अब हम और लेके आते हैं अपने लिए डर्ट, हम यहाँ से बना सकें इनके लिए अच्छा वाला फार्म। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैं आते ही गाय भी मिल गई है, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। नो वो मेरी डर्ट वेस्ट होगी, नो फिर भी कुछ नहीं होता, हम अपने लिए कर लेते हैं। तो ये आ गया बोन मील वाला ब्लॉग, इसके लिए चाहिए हमें पिक्स, तो हम इस चीज़ को बाद में देखेंगे, हमें एक और डेट की जरूरत है जो हम बाद में लगा लेंगे। अभी हम अपने लिए जितनी भी लकड़ी हमारे पास है हम उससे ज़रा लेके यहाँ अपना ये ज़रा एक फेंस बनाने की तैयारी करते हैं। फेंस, अब फेंस कैसे बनाते हैं, फेंस बनाने के लिए हमें लकड़ियों की भी ज़रूरत होती है। हमें फेंस के लिए जितने ज़्यादा हम फेंस बना सकते हैं हमें अपने लिए उतने ज़्यादा फेंस की ज़रूरत होगी। हम इसे भी ले लेते हैं और हम इससे और से ज़्यादा बना लेते हैं, हम इसे और लकड़ियाँ बनाते हैं और फेंस बना लेते हैं। और अब हमें फेंस गेट बनाना, और हम फेंस गेट बनाना भूल गए। तो फेंस एक काम कर लेते हैं कि हम यहाँ से पहले फेंस लगा देते हैं, फेंस गेट हम इसका बाद में लगा देंगे जब हमें फेंस गेट की ज़रूरत होगी। अभी हम इसके लिए डर्ट रख लेंगे, डर्ट से हम कूट कर यहाँ आएंगे। और मुझे लगता है मुझे यहाँ के लिए भी एक आइस का ब्लॉक लगाना पड़ सकता है, तो एक काम करता हूँ मैं इसे यहाँ लगा के ये वाला ब्लॉक तोड़ लेता हूँ। मैं अब इसे अपने लिए वो लेके आता हूँ और अपने लिए एक फेंस गेट भी बनाता हूँ। अब ये यहाँ से तोड़ के ये वाली लकड़ियाँ लेकर इसके साथ अब हमें एक फेंस गेट बनाना है, नहीं हमें एक फेंस गेट बनाना है। ये तो फेंस हमने फेंस गेट बना लिया है, अब हम अंदर से ये वाला भी ले लेते हैं। ये वाला ब्लॉक हमें चाहिए, प्लस हमें एक और फेंस चाहिए। यस, तो फेंस अब हम चलते हैं अपना फेंस लगाने। तो शीप आप प्लीज़ हटिए रास्ते से, हमें जब इम्पोर्टेंट काम है। तो फेंस हम ये करते हैं, अब हम इसे करके मिलते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसे फंसा दिया है, अब काऊ भी इधर आ रही है। अब हमें इन काऊ वगैरह सबको बंद कर देना है, अब हमें बाहर जाना है इन सब गेट को बंद करके। गेट बंद हो जाए प्लीज़। और अब हमें लाना है मुर्गी को, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुर्गी को गिर ना गई हो। और एक ऊपर भी शीप है, तो शीप आप प्लीज़ इधर आ जाए, तो शीप को हम नीचे ले कर चलते हैं। उम्मीद लगता है मुर्गी नीचे गिर गई है। तो फ्रेंड्स हमें अब यहाँ वो देखे अंदर वाले भी इसे खाने के लिए बेताब हो गए। ओ नो, ये शीप जल्दी जल्दी के अंदर गिर गई है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता अपना फार्म यहीं तक था। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा वीडियो को, हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को दबाएगा हमारी ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।